हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। तो आज हम बिल्कुल नए तरीके से हरी मिर्च फ्राई करने की रेसिपी देखेंगे। इस हरी मिर्च को आप किसी दाल फ्राई या किसी और सब्जी के साथ बिल्कुल इजीली खा सकते हो। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो देखिए, यही वो हरी मिर्च फ्राई है जो आज हमने बनाया, और आज हम बिल्कुल अलग और नए तरीके से बनाने वाले। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमें लगेंगे प्याज, उसी के साथ टोमेटो, उसी के साथ हरी मिर्च। तो यहाँ पे हमने 200 ग्राम हरी मिर्च लिए हैं। तो सबसे पहले हम इनको कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने प्याज को स्लाइस में कट कर लिया है, उसके साथ हमने टोमेटो को भी स्लाइस में कट कर लिया है। इसके बाद हम हरी मिर्च को बीच से कट कर लेंगे इसको। बिल्कुल देखिए, तो यहाँ पे देखिए, आपको हरी मिर्च को इस प्रकार से कट कर लेना है, बिल्कुल बीच से फाड़ लेना है। तो आप अपनी क्वांटिटी में कम ज़्यादा कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एक पैन, पैन के अंदर ऐड कर लेंगे ऑयल। ऑयल आपको अच्छा फ्रेश लेना है। ऑयल का गर्म होने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे लहसुन। लहसुन को अच्छी तरीके से हम पकने देंगे, बिल्कुल गोल्डन टू ब्राउन होने तक। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे एक टीस्पून जीरा। जीरे को अच्छी तरीके से हम तिड़कने देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे स्लाइस किए हुए हमारे प्याज। तो देखिए, प्याज को आपको इस प्रकार से कट कर लेना है। अच्छी तरीके से इनको मिक्स कर लेंगे और अच्छे से पकने देंगे, बिल्कुल 50% तक। और गैस की फ्लेम आपको बिल्कुल मीडियम टू लो पे रखना है, और अच्छी तरीके से हम प्याज को पकने देंगे। देखिए, तो यहाँ पे देखिए 50% प्याज पकने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे हरी मिर्च, और अच्छी तरीके से इसको भी पकने देंगे, बिल्कुल 5 से 10 मिनट तक, बिल्कुल प्याज के साथ। जब तक कि हमारे हरी मिर्च में अच्छे से कलर नहीं आता, तब तक आपको हरी मिर्च को पका लेना है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून नमक, और अच्छी तरीके से इनको मिक्स कर लेंगे। देखिए, तो ये हरी मिर्च फ्राई करने का बहुत ही आसान तरीका, और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, और आप इसको रोटी राज या चावल के साथ बिल्कुल ईजिली खा भी सकते हो। अच्छी तरीके से इनको मिक्स कर लेंगे। देखिए, इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। अच्छी तरीके से इनको मिक्स कर लेंगे। हल्दी पाउडर से काफ़ी अच्छा कलर आता है। तो आप हल्दी पाउडर नहीं डालना चाहते हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे स्लाइस किए हुए हमारे टोमेटो, और अच्छी तरीके से इनको मिक्स कर लेंगे। देखिए, तो बिल्कुल आपको 2 मिनट तक अच्छे तरीके से इनको पका लेना है, जब तक कि हमारे टोमेटो अच्छी तरीके से गलते नहीं। और यहाँ पे देखिए, हमारी हरी मिर्च भी अच्छे से पक चुकी है, तो हम बिल्कुल इसको 1 ही मिनट पकने देंगे अच्छे से। देखिए, और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा हरी मिर्च फ्राई बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसी प्रकार से आपको भी कर लेना, और आप इसको बिल्कुल दाल फ्राई या सादी दाल के साथ या कोई और सब्जी के साथ बिल्कुल इजीली सर्व कर सकते हो। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो हम इसको भी एक प्लेट में निकाल देंगे। देखिए, तो देखिए इसका टेक्सचर, देखिए इसका कलर, देखिए। तो आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे अगले रेसिपी में, तब तक के लिए धन्यवाद।